हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ ओवन में चावल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बासमती चावल लिया है। जो भी आप रेगुलर चावल यूज करते हैं वो चावल आप ले सकते हैं। इसे हमें वॉश करना है 2 से 3 बार, जब तक कि चावल का पूरा स्टार्च नहीं निकलता तब तक। तो 3 बार मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है। अब इसमें पानी डाल के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे ताकि चावल जो है वो जल्दी से पक जाए। इसलिए हमें ये प्रोसेस पहले करनी है। आधे घंटे के बाद ये जो चावल है वो अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। अब ये चावल का पानी है, इसे हमें निकाल लेना है। जबकि हम ये माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ माइक्रोवेव सेफ बोल। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून घी। घी के बदले आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। अब मैं ये जीरा राइस बनाने वाली हूँ तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है। जीरा को हम 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अगर आपको प्लेन राइस बनाना है तो जीरा स्किप कर सकते हैं। तो इसे हम माइक्रोवेव करेंगे हाई पावर पे 1 मिनट के लिए। एक मिनट हो गया है और जीरा भी बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें जाएगा चावल। चावल को हमने पहले से ही वॉश करके रखा था। घी डालने से चावल का जो टेस्ट है वो और बढ़ जाता है और चावल जो है वो खिले खिले बन जाते हैं। अब इसमें जाएगा 4 कप पानी। जितना कप आप चावल यूज़ कर रहे हैं उससे डबल पानी हमको यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने डाला है नमक, इसे मिक्स कर देंगे। अब ये चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं ओवन में जाने के लिए। तो बाउल को हम रखेंगे ओवन में, इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे ताकि जो पानी है वो नीचे ना आ जाए। हाई पावर पे हमें इन्हें कुक करना है 15 मिनट के लिए। चावल को बीच में एक बार ज़रूर चेक करें ताकि चावल जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो 15 मिनट हो गए हैं तो अब हम ये बाउल निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही खिले खिले बन गए हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हुए हैं। और जो जीरा है वो सारी तरफ से अच्छे से फैल चुका है चावल में, तो उसका जो टेस्ट है वो चावल में बहुत ही अच्छा आया है। आप देख सकते हैं चावल अच्छे तरीके से पक गए हैं। अगर आपके पास भी ओवन है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।